भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। प्रथम चित्रित ध्वज तिरंगा 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को भारत में पहला अनाधिकृत राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता, जो अब कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। इसे कोलकाता ध्वज या कमल ध्वज के रूप में भी जाना जाता है। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे सभी देशवासियों को WN न्यूज की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।